नमस्कार, मेरा नाम राजेश शर्मा है। मैं कोरियोग्राफर फैशन डिजाइनर हूँ। आज हम लोगों ने स्विमिंग पूल के अंदर गरबा आयोजित किया, जो कि राकेश जी के सानिध्य में हम लोगों ने स्विमिंग पूल के अंदर गरबे को ऑर्गेनाइज किया है। ये एक बहुत ही अनूठा तरीका हम लोगों ने सोचा, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि योगा या दूसरी चीज़ें पानी के अंदर या स्विमिंग पूल में की जाती है, लेकिन गरबा हमने कभी भी नहीं देखा। इस तरीके के आयोजन को हम लोगों ने कुछ अलग रूप देने की कोशिश करी। नवरात्रि जैसे आ रही है तो सभी लोग गरबा करने के लिए पंडाल में या फिर किसी गार्डन में जाकर करते हैं, लेकिन क्रिएशन के आज सभी मॉडल्स और डांसर इन्होंने मिलकर हम लोगों ने स्विमिंग पूल के अंदर एक गरबे का आयोजन किया, जो कि आई थिंक अभी तक तो हुआ नहीं है। और क्रिएशन हमेशा ऐसे प्रयास करता रहता है, नए नए अनोखे चीज़ें करता रहता है। तो बहुत ही इनोवेटिव आइडिया के साथ पानी में गरबा, आज जो हमारा अनुभव रहा, शायद मैं उसको कुछ लाइन में तो नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन इसकी प्रैक्टिस राजेश के शर्मा सर जो है उन्होंने कम से कम 10 या 11 दिन से हमको करवा रहे थे, और इतना मज़ा आया जब हम पानी में पहली बार उतरे तो वो फीलिंग ही अलग थी। वो मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं आज हम क्या करने वाले हैं। पूरे जोश के साथ जब सर ने हमारे अंदर जोश भर दिया कि तुम सब कर सकते हो, बस एक बार उतर जाओ, एक के बाद स्टेप करते चले गए, और इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन बन गया कि हमें यही नहीं पता चल रहा था कि हम पानी में गरबा कर रहे हैं। थैंक्स टू सर कि सर ने हमको इतना मोटिवेशन दिया और इतना डिफरेंट आइडिया। मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा आइडिया किसी ने यूज़ किया होगा, बट हमें बहुत मज़ा आया। थैंक यू। हेलो, मैं पलाश जैन, फिर मैं फ्रेंड तरुण एंड खुशी। आज हम क्रिएशन पॉइंट पर खड़े हैं, जिसके साथ फाउंडर और ऑर्गेनाइजर है राजेश शर्मा सर। जिन सर ने इस साल, हर साल अपन देखते गरबा होता है माता जी के सानिध्य में, पांडाल में, बड़े गार्डन में, वाटिका में गरबा होता है, खेला जाता है, डांडिया खेला जाता है, पर इस साल सर ने कुछ क्रिएशन, जैसा उनका नाम है टीम का, उनने कुछ नया क्रिएट किया, कुछ नया फाउंड करने की कोशिश की कि आज हम स्विमिंग पूल के अंदर गरबा करने की कोशिश करेंगे। इस बार कुछ नया लाएंगे, इंटरेस्टिंग सा लाएंगे, और आज हम थोड़ा ऐसा लगा कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पर सर ने कहा एक बार उतरो आप स्विमिंग पूल के अंदर, जो होगा देखा जाएगा, माता जी के आशीर्वाद से अंदर उतरे, और बहुत अच्छा हुआ। कुछ अंदर से बहुत खुशी हो रही है कि ऐसा कुछ नया हमने कर दिखाया।